तो हेलो फ्रेंड, टुडेज का वीडियो है पार्ट 6 का वीडियो, टोपाटो पर्सनल बीट मेकिंग, ठीक है। पार्ट 6 है एंड पार्ट 6 में आप लोगों को मैंने दिखाया जैसे कि वहाँ पे नॉइस ब्रेक इफेक्ट्स कैसे बनाए, इस टाइप का कमेंट आया था बहुत दिन आया, तो उस टाइप का यहाँ पे भी लगाया हूँ। तो कहाँ कहाँ पे बीट था वो चीज़ मैंने आप लोगों को सिखाया हूँ एंड बताया हूँ। एंड क्रश, एक क्रश बोल के सिंपल बना था, सभी लोग यूज़ करते हैं, जब भी बीट स्टडी होता है उसके बाद क्रश लेफ्ट राइट थ्री डी टाइप का बजता है वही, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्स की, कहाँ पे बीटता है, ओके। तो ये तीनों चीज़ मैं आज का वीडियो में क्लियर कर दी, 32 मिनट इस टाइप का समथिंग वीडियो हुआ। तो चलिए फ्रेंड, एंड मैं एक बात आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से नहीं सुनना है, कानों से सुनना है, आँखों से देखना है एंड उसको फील करने के लिए मन चाहिए, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, टुडेज का वीडियो देख लेते हैं। मैं नहीं देखूंगा, आप लोग देखोगे तो मैं भी एक बार रिव्यू करके देखूंगा मेरा ठीक हुआ कि नहीं, मैं पहले ही देखता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को जैसे कि अगला दिन सिखाया था जो सॉन्ग का इंट्रो पैटर्न, हम लोग इस सॉन्ग में किस टाइप का बना सकते हैं। आप लोग दूसरे सॉन्ग में दूसरे टाइप का होगा, इस टाइप का ही बीट होगा, ये बात नहीं है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पार्ट 5 में समझाया था, तो आज हो रहा है पार्ट 6, ठीक है। तो पार्ट 6 में आप लोगों को मैं क्या सिखाऊंगा, तो देखो कितना दूर तक हम लोगों ने सॉन्ग को मेक किए, तो उसको मैं सुन लेता हूँ एंड आप लोगों को भी मैं सुना दे रहा हूँ, ओके। तो सुनो, तो वॉल्यूम को मैं अप कर लेता हूँ, ओके। तो वॉल्यूम कम है, मेरे को कम लग रहा है, ओके। फ्रेंड यहाँ से दूसरे टाइप का भी पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो सुनो यहाँ से दूसरे टाइप का पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं इतना दूर तक ही आप लोगों को एक मार्क करके दिया था, जैसे कि हम लोग इतना दूर तक ही मेक करेंगे, तो मैं भी यहाँ से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना दूर तक हम मेक करेंगे, तो बोला था फर्स्ट से ही, मैं बोला था पार्ट जैसे कि फ्रेंड पार्ट 5 एंड 4 में, ठीक है। तो इतना दूर तक आज मैं सिखाऊंगा यहाँ पे नॉइस एंड एक जैसे कि आता है रिवर्स किक, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आप लोगों को कैसे टाइप किस टाइप का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, तो जब ओके सुनो, जब कोई नया बीट स्टार्टिंग हो रहा है, मान लीजिए ये बीट हमारा चल रहा है रनिंग में, यहाँ पे बीट स्टार्टिंग हो रहा है, तो सुनो यहाँ पे बीट स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो सॉन्ग को मैं प्ले कर दे रहा हूँ, यहाँ से फर्स्ट बीट स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। उसलिए मैं यहाँ पे एक नॉइस लगाऊंगा, किस टाइप का नॉइस लगाऊंगा, तो देखो मैं उस नॉइस को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक ऑडियो ट्रैक को मैं ऐड कर लेता हूँ, ऑडियो ट्रैक ऑडियो क्लिप करके, तो नॉइस के जगह पे मेरा नॉइस मिल जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैं उसको अलग अलग से जैसे कि एक फोल्डर बना करके रखा हूँ, जब भी मैं खोजूँ तो उसको जल्दी ढूंढ पाऊँगा, उसलिए कौन सा नॉइस को लेना चाहिए, इसको भी आप लोग ले सकते हो, नहीं तो इसको लो, ठीक है, ये नहीं तो ये किसी को भी लो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ, इसको नॉइस 1 को, ठीक है। तो कहाँ से यूज़ करना है, तो यहाँ से मेरा बीट स्टार्टिंग हो रहा है, इतना दूर तक ही हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो आप लोगों को इसको जूम आउट करना है एंड इसको, अच्छा इसको मैं ऊपर में आन ले रहा हूँ, तो मेरे को देखने को आसान मिलेगा, तो इसलिए मैं इसको ऊपर में खींच कर आन लेता हूँ, ओके। तो इतना दूर तक, तो अभी फ़िलहाल देखो एंड यहाँ पे साटा दो इसके बार बार में, ओके। तो जब भी बीट स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पे आनो पहले इस लाइन पे आनो, ठीक है, तभी आपका आवाज़ ठीक से मैच होगा। तो लाइन पे आनो, ठीक है,
ओके यहाँ पे देखो एक लाइन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे आनो, तो यहाँ पे आप लोगों को बाद में ले जाना है, पहले इस लाइन के बारे में पहले आप लोगों को मेक करना चाहिए। ओके तो अभी फिलहाल इसको काट काट के कैसा आवाज़ होता है, तो देखो सिंपल पे टच करो, यहाँ पे एक बार टच करो, उसके बाद देखो फ्रेंड यहाँ पे एक तीर का निशान दिखा रहा है, यहाँ पे टच कर दो, यहाँ पे टच करने के बाद देखो यहाँ पे मास्टर ऑप्शन है, यहाँ पे एक बार प्रेस कर दो, प्रेस करने के बाद देखो क्रिएट एफेक्ट्स चैनल लिखा हुआ है ना, वो क्रिएट एफेक्ट्स चैनल पे प्रेस कर दो। क्रिएट एफेक्ट्स चैनल पे जब भी आप लोग प्रेस करते हो तब भी देखो एक ऊपर में ट्रैक ऐड हो जाता है, ये नॉइस का ट्रैक, ये जैसे कि नॉइस जो एक सैंपल का ट्रैक यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे डबल प्रेस करो क्लिप बोल के आएगा, तो उसको किस टाइप से लगाना है, तो देखो इसके सैंपल के बराबर ही रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे भी रखो आप लोग हमारे से अब कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना है, तो ये जो दाग है, ये जो दाग है यहाँ पे देखो एक फुट की जैसा निशान दिखा रहा है, इस जगह पे रखना है, ये जहाँ पे भी रहे, पीछे में भी रह सकता है, आगे में भी रह सकता है, आप लोग हमारे आप उसको कहाँ पे भी रखो, लेकिन वो जो दाग है उसको इस लाइन के बराबर में सटाना है, इस जो दाग दिखा रहा है ये जो दाग है, ठीक है, ये जो काला दाग दिखा रहा है इस लाइन के बराबर में सटाना है, वो चीज़ जहाँ पे भी रहे, ठीक है। ओके तो इसको कर देना है एंड इसको छोटा कर देना है, छोटा जैसे कि इसको काट देना चाहिए। ओके तो इस टाइप का काटना है। ओके तो ये लाइन पे रखने का मतलब क्या होता है, एक मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो देखो यहाँ पे किस टाइप का, यहाँ पे छोटा दिखा रहा है ना, यहाँ पे बड़ा दिखा है, ये घर छोटा है, ये घर बड़ा है, ये घर बड़ा है, ठीक है, तो उसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कोई भी एक ट्रैक की लाइन पे रखो, इस लाइन पे रखो तो अच्छा होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोला था एक लाइन पे इसको रखो। ओके तो माउस के तौर पे कर रहा हूँ, हाथ में बहुत ज़्यादा मेरा जैसे कि लड़ जा रहा है। ओके तो ओके हो चुका है, उसके बाद देखो फ्रेंड जूम आउट करो एंड यहाँ पे आप लोगों को वो चीज़ करना है, तो देखो किस टाइप से करो, तो देखो इस बॉक्स का लेंथ देखो, साइज देखो कितना है, इस बॉक्स का साइज देखो सेम, अभी फिलहाल साइज सेम है, अभी फिलहाल देखो किस टाइप का करना है, यहाँ पे लेना है, तो जिस टाइप का भी लो, ठीक है, तो एक घर यहाँ पे भी इस टाइप का भी कर सकते हो, ये स्लो सॉन्ग में होता है, स्लो बीट में आप लोग जब इस टाइप का करोगे, इस टाइप का जब करोगे तो देखो सॉन्ग का आवाज़, सॉन्ग का नहीं जैसे कि ये सिंपल नॉइस का आवाज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से सिक 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 इस टाइप का करेगा, तो उस लिए इसको दो घर छोड़ करके करना है, तो देखो वो चीज़ भी मैं करके दिखा रहा हूँ। ओके इस टाइप का करते जाना है, तो अभी फिलहाल सुनो इतना दूर ही हम लोग कर लेते हैं, तो अभी फिलहाल सुनो किस टाइप का, इस टाइप का हो रहा है, बहुत स्पीड से थोड़ा सा कर रहा है, उसलिए मैं अच्छा मैं पूरा ही कर लेता हूँ, तो टोटल ही बताना है, तो पूरा टोटल ले अच्छा से ही बताना चाहिए, ठीक, तो यहाँ पे एक होगा एंड यहाँ पे होगा, हाथ से स्पीड होगा तो माउस के तौर पे मैं स्पीड से नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को, तो हाथ से ही ये बेस्ट होगा स्पीड से, तो फाइनली हमारा जैसे कंप्लीट होने आ रहा है तो कंप्लीट हो गया, तो अभी फिलहाल सुनो इसका आवाज़ किस टाइप से लग रहा है, तो सुनो तो इस टाइप का सुनाई दिया, इसको हम लोग बहुत स्पीड से सुनाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको दो घर छोड़ करके मैक करूँगा, तो देखो इस दो घर का छोड़ूंगा एंड यहाँ पे इस चीज़ को मैक करूँगा, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, नीच का भी डिलीट। ओके तो फिलहाल देखो दो घर छोड़ कर के करना है, मैंने एक वीडियो बना दिया था जैसे कि एक भाई का कमेंट था, भाई इस टाइप का नॉइस इफेक्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसलिए एक वीडियो भी मैं कर देता, तो ब्रेक इफेक्ट्स इसको कहते हैं, ब्रेक इफेक्ट्स मैं इसका नाम दिया हूँ ब्रेक इफेक्ट्स, ठीक है, तो ओके इस टाइप का करो तो आवाज़ ठीक ही निकलेगा एंड इसको थोड़ा सा 3D में कन्वर्ट कर दो। ओके तो दो घर छोड़ कर के ही इसको करना है, कंप्लीट हो गए उसके बाद सुनो एंड ओके इस टाइप का भी हो सकता है, ये बहुत स्लो हो जा रहा है तो वही मेरे को बेस्ट लग रहा था, इसको मैं अंडो करके वही चीज़ को मैं कर लेता हूँ, तो अंडो भी टोटली नहीं हो रहा है, तो उसी उसी जैसे कि एक घर करके ही उसको करना है, क्योंकि स्पीड से भी होगा और ठीक ही लगेगा। ओके यही मेरे को बेस्ट लगा, क्योंकि ये स्पीड से थोड़ा सा कर रहा था, तो स्लो जब
ये 16 BPM है ना, 135 BPM, इसलिए जैसे कि इसको स्पीड से ही थोड़ा सा रखना है, तभी इसको इधर से, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो यहाँ पे इधर उधर से, जैसे फ्रेंड ये ग्राफ इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों टाइप का ही आप लोगों को समझा दिया। तो फोर जैसे कि दो घर के ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड, जैसे कि सॉन्ग जब स्पीड रहता है BPM, ठीक है, तो 150, ठीक है, 140, 160 इस टाइप का जब रहता है, तो तब वो चार दो घर के छोड़ करके करना चाहिए, तभी ठीक से आवाज़ निकला। अब दो घर का भी कर सकते हो, चार घर छोड़ कर भी कर सकते हो, एक घर छोड़ कर के भी कर सकते हो। तो देखो अभी फिलहाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड हो चुका है, एंड सुनो इसको मैं 3D में कन्वर्ट कर दूँ। ये कोई भी एक ट्रैक पे ले लो, वर्क करेगा, ठीक है, इसमें भी वर्क करेगा, नीच का भी वर्क करेगा, दोनों ही सेम ट्रैक है। ओके, सेम मतलब कि इसका स्लाइड चेन ऊपर का है, इसलिए जिसकी ऊपर में भी यूज़ करो या नीच में करो, आप लोग का मर्जी। आप कहाँ पे यूज़ करोगे आप लोग का मर्जी। प्लस आइकन पर क्लिक करो, स्टीरियो जार पे जाओ, एंड ये होता है हमारा 3D टाइप का, एंड इसको लेफ्ट राइट पे कर दो, एंड फोकस को बढ़ा दो, एंड इसको भी इस टाइप का कर दो, तभी फिलहाल सुनो 3D टाइप है आवाज़ निकलेगा। इसका वॉल्यूम को थोड़ा सा कमा, क्योंकि इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगा, इसका कम ही रखना है। अभी फिलहाल ठीक लगा। तो इस टाइप का ये यूज़ होता है। ओके, तो ये चीज़ और कहाँ कहाँ पे बीटेगा इसको हम लोगों को फाइंड करना चाहिए। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद कहाँ पे बीट स्टार्टिंग हो रहा है तो वहाँ पे बीटाओ, और एक यहाँ पे देखो बीट स्टार्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि फ्रेंड हम लोग को यहाँ पे दूसरे टाइप का यूज़ करना चाहिए, तो मैं वो चीज़ बता दूंगा अभी। तो यहाँ पे देखो नया बीट स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो बीट खत्म होने जा रहा है। तो बीट जब खत्म होता है तब भी ये चीज़ आप लोग लगा सकते हो। यहाँ से देखो बीट, नया बीट स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ से देखो नया बीट स्टार्टिंग हो रहा है, ये बीट इंट्रो का बीट स्टार्टिंग हो रहा है। ओके, तो उसलिए जैसे कि हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, एंड ठीक से आप लोग को लगाना चाहिए। वहाँ पे मैंने एक चीज़ अभी तक ठीक से नहीं उसको सेट किया है ना, तो उसको मैं ठीक से सेट कर दे रहा हूँ, तो उसलिए जैसे कि थोड़ा सा दूसरी टाइप की आवाज़ निकल रहा था। तो अभी फिलहाल देखो यहाँ पे ठीक से सेट कर दें, एंड यहाँ का सेट करना मैं भूल चुका था, तो अभी फिलहाल इसको मैं सेट कर दे रहा हूँ। तो इसको देखो ध्यान से यहाँ पे सेट करना चाहिए। ओके ओके, इस टाइप का सेट करो, एंड इसका आवाज़ अभी फिलहाल सुन, ठीक है, पूरा परफेक्ट है, एंड यहाँ का भी आवाज़ सुन। ओके, या आप लोग, ओ फ्रेंड यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न है, ठीक है, तो उसलिए इसको आप लोग यहाँ पे ना ही यूज़ करें, मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ब्रेक पैटर्न की तौर पे वो चीज़ वहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, तो उसको सिर्फ वहाँ पे ही यूज़ करो, एंड दूसरे जगह पे कहाँ पे यूज़ करना चाहिए तो उसी टाइप का भी यूज़ कर सकते हो। ब्रेक पैटर्न के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो आप लोगों का मर्जी। आप कहाँ पे यूज़ करोगे मैं सजेस्ट करूँगा ब्रेक पैटर्न। अच्छा, आप लोग यहाँ पे भी यूज़ करो, आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा तो वहाँ पे यूज़ करने से क्या होगा, ठीक है, तो यूज़ करो पहले तो सीखो। ब्रेक पैटर्न के तौर से चला तो ठीक है, ठीक ही आवाज़ आ रहा है, तो इसको रहने दो, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को कौन सा चीज़ यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे देखो दूसरे टाइप के पैटर्न वन है, पैटर्न वन में हम लोग इफेक्ट कैसे लगाएं, तो और भी एक मैं इफेक्ट ले रहा, इफेक्ट मतलब कि और एक मैं नॉइस ले ले रहा हूँ, दूसरे टाइप का नॉइस, जैसे कि अभी फिलहाल लूँगा किस टाइप का नॉइस लूँगा। ओके, मेरे को ढूंढने दो किस टाइप का नॉइस वहाँ पे मिलेगा मेरे को, तो इस नॉइस को मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले नॉइस को सुन लेता हूँ कितना दूर तक लूँगा। इतना दूर तक ले रहा हूँ किस टाइप का। ओके, तो इतना दूर तक ही इसको लूँगा, एंड यहाँ पे इसको सटा दूंगा। ओके, तो अभी फिलहाल दूसरे टाइप का यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करूँगा, तो इसको मैं ऊपर में उठा ले जा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे एक प्लगइन यूज़ करूँगा, उस प्लगइन से ही इसको जैसे कि, एंड यहाँ पे थोड़ा सा भी मैं इसको 3D में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो 3D का यूज़ किया था तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ इस प्लगइन को, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आन के इसको पेस्ट, ओके, कंप्लीट हो चुका है, एंड यहाँ पे एक दूसरे टाइप का ही एक प्लगइन ले रहा हूँ। देखो इसका आवाज़ थोड़ा सा किस टाइप से चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम को डाउन करना चाहिए इस टाइप का, तो सुनो किस टाइप का कितना बज रहा है।
ओके तो इस पे प्रेस करो, सिंपल पे प्रेस करो, उसके बाद यहाँ पे आओ एंड प्लस पे क्लिक करो एंड ऑटोडॉक लो। ठीक है, तो अटैक को रखना है कि सुन सुन के डॉकिंग को आप लोग 80-90, देखो अभी फिलहाल डॉकिंग कर गए इसको, सुनो इस टाइप का आता है। ओके सुना तो किस टाइप कैसा लगा? तो इसको बढ़ाओ, एंड ये स्लो सॉन्ग है उसलिए इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड से करना। एंड कार्प को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, तो देखता हूँ किस टाइप का आवाज आता है। ओके ये मेरे को परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा सा इसको मैं कमाऊंगा एंड इतना रखूंगा, अटैक को बढ़ाऊंगा क्योंकि ये बेस्ट टाइप का आएगा। ओके फिलहाल मेरे को ठीक लगा सॉन्ग के साथ। इसका आवाज यहाँ पे बहुत ज्यादा कर रहा है, इसका आवाज को थोड़ा सा डाउन करना चाहिए। आवाज कैसे डाउन कर सकते तो देखो, यहाँ से इतना दूर बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। ठीक है ना, आवाज को कम डाउन करो ताकि लाइट में कुछ सही आवाज आता है। फिलहाल ठीक है, पैटर्न वन में हम लोग ये चीज़ यूज़ किए, तो अभी फिलहाल देखो पैटर्न वन कहाँ पे मिलेगा हम लोगों, तो वहाँ पे आप लोग पैटर्न टू में भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, पैटर्न टू में भी इसको पेस्ट कर दो, आप लोग का मन कहाँ पे यूज़ करना चाहिए आप लोग वो चीज़ कर दो, तो ये चीज़ यहाँ पे ही यूज़ करेंगे, वो चीज़ वहाँ पे यूज़ करेंगे, उस टाइप का नहीं, आप लोग का मन कहाँ पे लगे वहाँ पे ही यूज़ करो। ठीक है, तो आप लोग पैटर्न थ्री में भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग का मर्जी, आप कहाँ पे भी यूज़ करो। ठीक है, ओके इस टाइप का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ इस टाइप का यूज़ करना चाहिए जब सॉन्ग का इंट्रो आता है, तो जब इस टाइप का आता है तो फर्स्ट का ही यूज़ करना चाहिए, उसी जगह पे नहीं। ओके तो कब वो चीज़ आएगा तो हम लोग यूज़ करेंगे। और दूसरे चीज़ आप लोग किस टाइप का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इसको आप लोग हटा दो। ठीक है, ये चीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, मैंने आप लोगों को दिखाया, तो ब्रेक इफेक्ट्स पे आप लोग को यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा गैप है, इस गैप को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक चीज़ आप लोग को सिखाया था, तो ये चीज़ को भी रख लो, जब बाद में ज़रूरत होगा, क्योंकि मैं इसको ऑफ करके रख लूँ तो बाद में कहाँ पे लगाऊंगा वो चीज़ मैं आप लोग को समझा दूंगा। आप लोग को ये चीज़ आप लोग को करना करके रखना है, तो वो चीज़ आप वो चीज़ यहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इस सैंपल के बदले इस सैंपल को भी आप लोग इस जगह पे यूज़ कर सकते हो, इस वाला जगह पे। ठीक है, इस वाला जगह, तो देखो इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, आप लोग हमारे से आप इसको कहाँ पे यूज़ करें, कौन सा आप लोग को अच्छा लगता है वो चीज़ यूज़ करो, तो देखो मैं इसको यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ दोनों को ही, तो इसको ऑन कर दे रहा हूँ एंड इसके जगह पर भी इसको मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ, तो किस टाइप का आवाज़ निकलता है, कौन सा आवाज़ अच्छा से निकलेगा उसको ही आप लोग यूज़ करो, मैं मना नहीं करूँगा, मैं एनी टाइम सजेस्ट करूँगा, जैसे कि ट्राई करके देखना। ठीक है, कोशिश करके देखना, कोशिश करते रहना। ठीक है, तो कौन सा चीज़ आप लोग को अच्छा लगे, तो ये फर्स्ट अच्छा लग रहा है या ये चीज़ अच्छा लग रहा है आप लोगों को ही यहाँ पे, ये आवाज़ अच्छा लग रहा है या ये फर्स्ट का आवाज़ अच्छा लग रहा है, कौन सा? मेरे को ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं उसको ही रखूँगा, इसको नहीं रखूँगा। ओके तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पे और कौन सा सैंपल ऐड कर सकते हैं, ये तो फिक्स का काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग और जैसे कि रिवर्स किक को ऐड करेंगे, तो रिवर्स किक कहाँ पे ऐड करना चाहिए, देखो जब भी कोई नया पैटर्न आता है, ठीक है नया पैटर्न, एंड देखो किक ड्रॉप यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है ना किक ड्रॉप, तो यहाँ पे कुछ धमाका वाला होने जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक हम लोग इफेक्ट डालेंगे, तो अभी फिलहाल यहाँ पे दूसरे टाइप का इफेक्ट डालेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इस इफेक्ट को यूज़ किए थे, तो इस इफेक्ट को यहाँ पे यूज़ किए थे, तो फिलहाल हम इस इफेक्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे, इसको छोटा कर दो एंड यहाँ पे आनो एंड इसको भी छोटा कर दो। ओके जैसे भी करके इसको यूज़ करो। ठीक है, तो आप लोगों मर्जी आप किस टाइप से यूज़ करना चाहिए, तो आप लोगों मर्जी आप कैसे यूज़ करो। ओके तो हो चुका है एंड इसका आवाज़ हम लोगों को लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में है, हम लोग इतना दूर तक ही यूज़ कर लेते हैं। ओके तो अभी फिलहाल सुनते हैं किस टाइप का हमारा यहाँ पे लग रहा है इंट्रो पॉइंट में।
कर दे रहा हूँ। हाँ फिलहाल ठीक ही है। ओके ऐसा मेक करना है। ओके हो चुका है कंप्लीट, तो कंप्लीट हो चुका है मेक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल सेट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ होगा एंड यहाँ पे भी एक चीज़ होगा हमारा। यहाँ पे रिवर्स किक ऐड होगा, तो रिवर्स किक को मैं ऐड कर ले रहा। कौन सा रिवर्स किक ज़्यादातर से ज़्यादा सभी लोग यूज़ करते हैं इसी को ही मैं ऐड करता हूँ, या दूसरे को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो मेरा जैसे कि रिवर्स किक बोल के एक फोल्डर है, तो यहाँ पे टोटली रिवर्स किक मिल जाएगा। मैं इसको यूज़ करता हूँ और दूसरे मिक्सर भी इस टाइप का ही किक को यूज़ करते हैं, रिवर्स किक। ठीक है, तो देखो किक के बराबर में इसको बिठाना चाहिए। तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, तो देखो यहाँ से। ओके इसको यहाँ पे आना है एंड थोड़ा सा इसको यहाँ पे लगा के देखो तो किस टाइप का आवाज़ निकल रहा है। तो ठीक से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा काट दिया, ताकि फिलहाल सुनो किस टाइप का आवाज़ आए। इस टाइप का थोड़ा सा इसको इधर करना है, क्योंकि उतना क्वालिटी से आवाज़ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। देखो इसका ग्राफ, देखो इसका ग्राफ देखो किस टाइप का है। तो अभी फिलहाल सुनो किस टाइप का लगता है। फिलहाल ठीक है, इसका आवाज़ को थोड़ा सा डाउन करना है, क्योंकि जब आवाज़ क्यों किस लिए इसको डाउन किया, जब आप लोग सेटअप में बजाओगे ना, ठीक है, तब इसका आवाज़ बहुत ज़ोर से आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर दी। अभी फिलहाल ठीक ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग पेस्ट करेंगे। ओके अब फिलहाल सुनते हैं यहाँ का आवाज़ किस टाइप से लगता है। इसको हटा दो, इसको तो हम लोग दूसरे जगह पे यूज़ किए, तो ये है, तो इस जगह पे होगा, क्योंकि यहाँ से एक बीट स्टार्टिंग हो रहा है। ओके तो फाइनली हमारा इतना दूर तक कंप्लीट कर दिए। तो देखो और कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो बहुत बार बीट स्टार्टिंग हो रहा है एंड यहाँ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप होने जा रहा है। तो देखो सुनो, यहाँ से बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है, इस गैप को मिटाने के लिए वो चीज़ यूज़ करना चाहिए। कौन सा, हमारा रिवर्स किक। ओके अभी फिलहाल सुनो, वो गिप गिप बोल रहा हूँ, वो गैप मिट जाएगा। ओके तो सुनो अभी फिलहाल, ओके परफेक्ट हुआ ना फ्रेंड। और यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बीट स्टार्टिंग हो रहा है, देखो पैटर्न 3, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ओके रिवर्स किक का यूज़, रिवर्स किक का यूज़ इस टाइप का कर सभी लोग करते हैं, तो हमारा जैसे डीजे मिहिर संतरी है इस टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे बीट बाजेगा, तो सुनो तो सॉन्ग को। तो यहाँ से एक पैटर्न, यहाँ से एक पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, उसलिए भी यहाँ पे भी रिवर्स किक होगा। ओके तो फाइनली हमारा किक इतना दूर तक आ चुका है। ओके कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ पे बीटता है। तो फिलहाल फुल्ली सुनते हैं किस टाइप का मेक हुआ है, परफेक्ट हुआ है कि नहीं। और हम लोग क्रश, और एक बात यहाँ पे हम लोग और एक इफेक्ट लगाएंगे, क्रश इफेक्ट। ठीक है, क्रश को हम लोग लगाएंगे तो 3D इफेक्ट में होगा, लेफ्ट जाएगा एक बार राइट जाएगा, इस टाइप का इफेक्ट आवाज आएगा। तो टोटल एक बार सुन लेते हैं किस टाइप आया है।
टोटली कंप्लीट हो चुका था। तो इतना तक कंप्लीट। और एक मैं यहाँ पे इफेक्ट ऐड करूँगा, जैसे कि क्रैश का सैंपल, जैसे कि 3D में कन्वर्ट होएगा, एक बार जाके लेफ्ट के कान में एंड राइट साइड, ठीक है, तो इस टाइप का जाएगा। तो देखो पैटर्न वन पे मैं इसको लगाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न वन में लगा, पैटर्न वन में इसको मैं लगाऊंगा। पैटर्न वन में ही इसका लगाने का नियम होता है, जब भी की स्टार्टिंग, जैसे कि पैटर्न स्टार्ट होता है की, तो यहाँ पे लगाया जाता है, सभी लोग इस टाइप का ही लगाता है। तो एडो क्लिप पे जाना है एंड यहाँ पे हम लोगों को, जैसे कि नागपुरी का सिंपल में है हमारा क्रैश, क्रैश कहाँ गया, क्रैश इसको लगाते हैं। तो इसको किस टाइप से हम आप लोग या मैं किस टाइप से करता, तो देखो यहाँ पे प्रेस करो, सैंपल में प्रेस करो एंड यहाँ पे देखो एक तीर का निशान यहाँ पे टच कर दो एंड यहाँ पे देखो प्लस सेकंड पे टच करो एंड एक टैप पहले रिवर्ब को लो, ठीक है, रिवर्ब को लो, जितना भी है उसको रहने दो, ठीक है, एंड उसके बाद और एक प्लस पे क्लिक करो एंड इसके बाद अभी फिलहाल टैप डिले को लो, ये चीज़ को लो टैप डिले। ओके, लेने के बाद टाइम 60 ही रखना है, फीडबैक 59, उसके बाद AS ऑटो SYNC, ठीक है, तो इसका 77 कर दो, -77 एंड मिक्स को करना है 7। ओके, इस टाइप का एंड उसके बाद लेना है मल्टीफिक्स। तो मल्टीफिक्स का मैं एक क्लास करवाऊंगा बोला था बहुत दिन में, तो इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा तो क्लास के तौर पे, ठीक है। तो लेफ्ट राइट जाने के लिए LFOMMNT इसको फुल कर देना चाहिए एंड बीट पे आप लोग को रखना है, क्योंकि ये लेफ्ट राइट वो अच्छा से होगा फर्स्ट का, जैसे कि फर्स्ट में। तो उसके बाद इसको किस टाइप का लगाना चाहिए, इस टाइप का, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 घर छोड़ के इस टाइप का लगाना है, इधर से दो। तो अभी फिलहाल सुनो आवाज हमारा किस टाइप से आ रहा है। ये स्लो सॉन्ग है हमारा, इसलिए हम लोग इसको यूज करेंगे 2 बीट्स या बार में। ओके, तो अभी फिलहाल सुनते हैं। तो इसका वॉल्यूम एनी टाइम आप लोगों को कमा के रखना है, ठीक है, एंड इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रियोजर लेना चाहिए। ओके, स्ट्रियोजर एंड इसको बढ़ाओ, इसको भी बड़ा, फोकस को भी बड़ा, अब फिलहाल लेफ्ट राइट को भी बड़ा। ओके, यहाँ पे जितना भी आप लोग उतना भी रख सकते हो, या आप लोग का कान में जिस टाइप के बजेगा तो उस टाइप का भी रख सकते हो। मैं सिर्फ इसको ही स्लो करके प्ले कर लेता हूँ, तो किस टाइप का हमारा आवाज़ आ रहा है, इस टाइप का आवाज़ आ रहा है। ओके, तो हम लोग अभी फिलहाल इसको सुनेंगे। तो देखो फर्स्ट बीट में इस टाइप का, तो फर्स्ट बीट में आप लोग इसको भी बीट पे भी रख सकते हो, कोई चिंता नहीं। तो नेक्स्ट में हम लोग 2 बीट्स में रखेंगे, तो अभी फिलहाल बीट में है, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर में आन लेता हूँ, तो फर्स्ट हमारा जैसे कि पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो इसको देखो बहुत ही बड़ा देना आप लोगों को कान में पहुँचेगा। देखो सुनो पैटर्न वन में बहुत स्पीड से स्पीड आवाज आ रहा है, इस टाइप का आवाज आ रहा है। हम लोग पैटर्न टू में दूसरे टाइप का यूज करेंगे, तो सुनते हैं किस टाइप का यूज करते हैं। यहाँ पे पैटर्न टू में हम लोग उसके हिसाब से और स्लो में इसको, इस चैनल को ही क्लोन कर दो और दोबारा नहीं कोशिश करना होगा, इस चैनल को ही क्लोन कर दो, टोटली मास्टरिंग क्लोन हो के आ जाएगा। ओके, क्लोन चैनल पर कर दो, ये चैनल क्लोन हो चुका है, इसको यहाँ पे आनो एंड आने के बाद ओके, तो पहले चैनल का सेटिंग देखो किस टाइप का है, ये मल्टीपेक्स का बीट में है, ठीक है, एंड दूसरे चैनल का सेटिंग देखो हमारा दूसरे का। ओके, मैं दूसरे चैनल पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, ये ऊपर का सेटिंग मैंने आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे बीट सेटिंग है, बहुत स्पीड से चिक चिक कर रहा है एंड सेकेंड चैनल में देखो कहाँ गया, ये देखो बीट में है ना, इसको मैं बार में
टू बीट्स या बार में कर देता हूँ। ओके, टू बीट्स में ही मैं करके देखता हूँ किस टाइप का आवाज आता है। ओके, इस टाइप का करो, ठीक है। एक रखो बीट में और एक रखो टू बीट्स में। तो अभी फिलहाल सुनो किस टाइप का है। नेक्स्ट हमारा आएगा पैटर्न थ्री में। पैटर्न थ्री में इसको ही लगाओ पैटर्न जैसे कि बीट का। तो अभी फिलहाल सुनो किस टाइप से आवाज़ आ रहा है। एंड पैटर्न टू, पैटर्न थ्री में ये लगाए। एंड पैटर्न टू में देखो ये चीज़ लगाए। पैटर्न टू में कौन सा चीज़ यूज़ किए, ठीक है। पैटर्न टू में इस चीज़ को यूज़ किए क्रस, टू बीट का क्रस यूज़ किए। तो पैटर्न टू हमारा, तो यहाँ पे देखो पैटर्न टू में यूज़ करो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, तो कौन सा पैटर्न में किस टाइप का क्रस यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखो पैटर्न थ्री में बीट का क्रस यूज़ किए एंड पैटर्न वन में। तो सुनो अभी फिलहाल किस टाइप का आवाज़ आता है। तो इतना धीरे आज हम लोग मिक्स कर लेते हैं, तो बाद में नेक्स्ट मिक्स करेंगे। ये हमारा काम ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग टोटली पूरा सॉन्ग को मिक्स करेंगे, इधर मिक्स करेंगे, ठीक है। तो जितना दूर मिक्स हुआ है उतना दूर हम लोग सुन लेते हैं। ओके, और एक सैंपल यहाँ पे ऐड बाकी है, टॉप पार्ट ऑफ जैसे कि बोलता है, उससे सैंपल ऐड बाकी, उसको कहाँ पे आप लोगों को बिठाना है। तो पहले से सुनो किस टाइप का, कितना दूर तक कैसे लग रहा है, तो जरूर कमेंट में बताना। हमारा वॉल्यूम देखो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको 0 डेसिबल में रखना है। तो वो चीज़ लास्ट मास्टरिंग के समय मैं बता दूंगा। ओके, तो फिलहाल सुनो। आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है क्रश का, इसलिए इसको कमाओ, इस टाइप का रखो। आप ही ठीक है, ठीक है आवाज़, ठीक है। तो हमारा संग इतना दूरी मिक्स हुआ है, इसलिए जैसे कि इस दाग को मैंने मार्क करके रखा था, ठीक है। तो मैं इसको, इस फिल्म को सेव करके रख लेता हूँ। पार्ट टू डेज का पार्ट सिक्स है, इसलिए मैं इसको पार्ट सिक्स बोल करके सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेव कर लिए एंड और एक बार सेव। ओके, तो और एक यहाँ पे सैंपल बाकी है। आज वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोगों को देखने को भी बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7 में। तो चलिए, बाय बाय।